बंगलुरु में शिया मरकज अंजुमन इमामिया की जानिब से रमजान के आगाज से रोजाना मजहबी प्रोग्राम का आगाज किया गया है। इस प्रोग्राम का इनेकाद मस्जिद अक्सरी और इमामबाड़ा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके माह रमजान का इस्तकबाल किया गया और इस प्रोग्राम का मकसद लोगों में यकजहती और इत्तेहाद के पैगाम को आम करना है, जिससे लोगों में नफरत की बजाय सिर्फ मोहब्बत का पैगाम पहुंचे। इस मौके पर तमाम उलमाए इकराम मौजूद रहे और लोगों से भाईचारे से रहने की अपील की गई। हर धर्म का पैगाम इंसानियत है, कोई भी धर्म इंसानियत के खिलाफ काम नहीं करता है। तो हम इस माह मुबारक रमजान का जो आज पहली तारीख है, से हम ये तमन्ना करते हैं और अल्लाह से दुआ भी करते हैं कि ये माह मुबारक रमजान तमाम इबादतों के साथ बेहतरीन तरीके से मोहब्बत का पैगाम देते हुए गुजर जाए। और पूरी उम्मीद भी है कि इंशाअल्लाह ताला ये नफरत की जबान जो चल रही है ये बहुत देर तक चलने वाली नहीं है, इसका खात्मा होना है। अंजुमन इमामिया की जानिब से जो है ये मीटिंग बुलाई गई है रमजान मुबारक के सिलसिले में। हमारे अंजुमन इमामिया की जानिब से जो है फजर की नमाज में जो है नमाज के बाद जो है कुरान खानी होती है, उसके बाद जोहर की नमाज होती है, जोहर की नमाज और असर की नमाज के दरमियान जो है दिनियात मतलब मसलो मसाइल होते हैं नमाज के सिलसिले में, रमज़ान के सिलसिले, इसके रोज़े के सिलसिले में हर तरीके से जो है उसमें बयान किया जाएगा। दीनी और समाजी और कुरानी और हदीस और तमाम के तमाम अहकाम इस्लामिया और शरीयत इस्लामिया की जो भी कवानीन है उनको अपने बयानात, अपने तकरीरों, अपने खुतबों के जरिए से पहुंचाया जाए।